विद्यार्थियों, एसवी ट्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे ऑर्गेनाइजेशन को। ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग है संगठन। संगठन को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन इज द स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयज, प्रोफेशनल्स एंड एक्सपर्ट्स। देखिए, जब हम बिजनेस को चलाते हैं तो बिजनेस को कंप्लीट करने के लिए उसके अलग अलग स्टेप्स होते हैं, तो उसको कंप्लीट करने के लिए हमें एम्प्लॉयज की आवश्यकता होती है। हम अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं तथा उसके लिए एक एक्सपर्ट को लगाते हैं, तो उन सभी एम्प्लॉयज, प्रोफेशनल तथा एक्सपर्ट्स के समूह को हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। प्यारे दोस्तों, हम संगठन के ढांचे को कंपेयर करते हैं ह्यूमन बॉडी के ढांचे से। देखो, हमारी एक बॉडी है, इसमें अलग अलग काम हो रहे हैं, अलग अलग मूवमेंट हो रही है, उसमें कोऑर्डिनेशन है। हर एक जो ऑर्गन है वो अपने काम में एक्सपर्ट है। परमात्मा ने हर एक चीज को बनाया है, उसके अलग अलग ड्यूटी है। ब्रेन का काम है सोचना, कमांड देना, डिसीजन लेना। हार्ट का काम है, एक पंप है जो ऑक्सीजन लेता है, अपने ब्लड को शुद्ध करता है। ऐसे ही हाथ और जो हमारे पैर हैं काम करने के लिए, चलने के लिए यूज होते हैं। आईज हैं, देखने के लिए यूज होती है, और कान हैं जो वो सुनने के लिए यूज होते हैं। तथा इसी प्रकार से अन्य जो भी ऑर्गन्स हैं वो अपना काम करते हैं। तो ये परमात्मा का एक सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर है। एक एक ऑर्गन को अलग अलग ड्यूटीज दी गई है, राइट्स दिया गया है, तो वो अपने सिस्टम के हिसाब से चलते हैं। ऐसे ही अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजर्स, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एचआर मैनेजर, उसके बाद एक्सपर्ट्स होते हैं, वर्कर होते हैं, असिस्टेंट होते हैं और लेबर्स होते हैं। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है तो वो जस्ट लाइक हमारी ह्यूमन बॉडी का एक ब्रेन है, या कह सकते हैं जो डिसीजन मेकिंग का काम है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने करना है। उनके अधिकार में है प्लानिंग को बनाना, योजना को बनाना। ऐसे ही सभी ढांचे मैनेजर काम मैनेजर करेंगे। जैसे फाइनेंस मैनेजर है, वो एक तरह का बिजनेस का हार्ट है।